नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 जुलाई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 25,000 के करीब। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए अपडेट के मुताबिक 1667 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कुल प्रभावितों की संख्या पहुंचकर 24,967 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक ठीक होने वाले की संख्या में भी इजाफा देखा गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 15,771 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 177 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के नर्सिंग स्कूल और कॉलेज भी अब आइसोलेशन वार्ड में होंगे तब्दील। बिहार में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नर्सिंग स्कूल और कॉलेज की भी मदद की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही बिहार के सभी नर्सिंग स्कूल और कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर में बदला जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर आइसोलेशन बेड की व्यवस्था बिहार में उपलब्ध करवाई जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में उपस्थित कुल 173 संस्थानों का संचालन फिलहाल अभी किया जाएगा, जिसमें आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाना है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने डीएसपी इंस्पेक्टर और दरोगा को बगैर प्रशिक्षण नहीं प्रमोट करने की कही बात। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीते दिन सभी डीएसपी इंस्पेक्टर और दरोगा के लिए सेवाकालीन 2 प्रशिक्षण अनिवार्य होने की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि किसी भी डीएसपी इंस्पेक्टर और दरोगा की प्रोन्नति के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ ही इसे पास करना भी अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है, 7, 10 और 14 से 18 वर्ष के बीच प्रशिक्षण होगा। पहला प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही 10 वर्षों के बाद दी जाने वाली प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। वहीं अगर 18 साल के बाद कोई प्रोन्नति मिलती है तो उसके लिए दूसरे चरण का प्रशिक्षण पास करना भी अनिवार्य होगा। राजधानी पटना में 25 जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की हुई शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना में 25 जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत अब लोगों का कोविड-19 टेस्ट के लिए अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही यह भी बताया है कि पटना जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत कर दी गई है। लोगों को यह सुविधा फिलहाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ दिनों पहले समीक्षा बैठक के दौरान 20,000 सैंपल की जांच का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार अपने स्तर पर हर तरीके से काम कर रही है। वहीं बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने 4 IAS अफसरों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया है। बिहार सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों को पटना, गया और भागलपुर जिले में भेज दिया गया है। पटना में 3 IAS अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटों में बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटों में बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान को जारी कर दिया है और बताया है कि अगले 72 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना है, जिसके बाद जान माल के नुकसान के साथ साथ निचले स्थान में जल जमाव, यातायात और बिजली सेवा बाधित हो सकती है, जिसका सबसे ज्यादा असर सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के इलाके में देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया आरोप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से घेरा है, जिसके तहत उन्होंने अपने ही अंदाज में भागलपुर में बिजली जाने के बाद वेंटिलेटर पर मरीज के जान गंवाने के वाक्य को दुखद करार दिया है और साथ ही लिखा है कि बिहार के बड़े अस्पताल में बिजली गुल, जनरेटर बंद, वेंटिलेटर में लगी बैटरी भी फुल और फिर ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई मरीज की गई जान। सीएम 4 महीने से घर में सो रहे हैं, घर में ही अस्पताल बनवा रखा है, लोगों से संवाद भी नहीं कर रहे हैं, भौ भौ के लिए नियोजन पर 2-4 को रख रखा है, बस हो गया। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की सीईसी के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी विपक्षी दलों से चुनावी रैलियों के आयोजन करवाने के लिए सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में विपक्षी दलों ने नेताओं के मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त के साथ वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस साल और मीटिंग में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसके बाद चुनाव को 4 हिस्सों में बांटे जाने का सुझाव दिया गया है और हर बूथ पर 250 लोगों के मतदान की व्यवस्था किए जाने का सुझाव भी दिया गया है। इसके अलावा 65 वर्ष के ऊपर वाले मतदाता का पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग ने रोका है। इस रोके जाने के बजाय इसे खारिज किए जाने की मांग की है, जिसके बाद इसे गोपनीयता नहीं रह जाएगी, इस बात की पुष्टि की गई है। इतना ही नहीं, सबके लिए प्रचार करने के लिए समान अधिकार मिलने की भी मांग की गई है।
पटना एम्स के डॉक्टर नर्स समेत 20 स्टाफ मिले संक्रमित। राजधानी पटना के एम्स में बीते दिन डॉक्टर नर्स समेत 20 स्टाफ कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद रविवार तक एम्स का प्रशासनिक भवन बंद रखने की बात कही गई है, जिसके बाद दो दिनों तक भवन को सैनिटाइज किए जाने का फैसला सुनाया गया है। इतना ही नहीं, पटना एम्स में बीते दिन बघा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर समेत कुल 55 नए कोविड-19 मरीजों को भर्ती किया गया है। चिराग पासवान ने की केंद्रीय टीम को बिहार भेजने की बात की सराहना। बिहार में बेकाबू हो रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए कुछ दिनों पहले केंद्रीय टीम को बिहार भेजने की बात कही गई थी, जिसकी सराहना अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने की है। चिराग ने केंद्रीय टीम के बिहार भेजे जाने के फैसले को सराहा है और पीएम मोदी का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोविड-19 अनियंत्रित दौर में पहुंच चुकी है और उसे नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार की पहल स्वागत योग्य है, क्योंकि बिहार में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से धूमिल नजर आ रही है। डीएम कुमार रवि ने होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए जारी किया संदेश। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए जरूरी संदेश जारी किया है, साथ ही प्रोटोकॉल के रूप में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के वैसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है वो अपने घर पर क्वारंटाइन रह सकते हैं। इतना ही नहीं, 10 दिन तक वो किसी हवादार कमरे में अलग रहने, साथ ही संभव हो तो अलग टॉयलेट का उपयोग करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं एक ही कमरे में रहने वालों के बीच 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने फैंस से की इमोशनल अपील। खेसारी लाल यादव ने हाल ही में अपना एक वीडियो जारी करते हुए अपने फैंस से एक इमोशनल अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं धान रोपने के बाद एक बेहद जरूरी काम से मुंबई आ गया हूं। आपके द्वारा किए जा रहे कॉल से यह पता चला है कि आप मुझसे मिलने मेरे गाँव आ रहे हैं, मगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, मास्क पहने, साथ ही साबुन से बार बार हाथ भी धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रहें। इसलिए आप नियमों का पालन करें और सभी मेरे घर पर ना जाएं, क्योंकि आप परेशान होंगे जब मैं नहीं मिलूंगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ईशान किशन की। ईशान किशन भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 में राजधानी पटना में हुआ था। ईशान किशन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आए हैं। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और विकेटकीपर है। आपको बता दें, ईशान किशन मुख्य रूप से झारखंड की तरफ से खेलते हैं। दिसंबर 2015 में उन्हें अंडर-19 क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था और साल 2018 से वह मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। ईशान ने अपने करियर में साल 2016-17 में खेले गए रणजी मैच में दिल्ली के खिलाफ 273 रनों की शानदार पारी खेली थी। यह झारखंड में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बेहतरीन स्कोर रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2017-18 में खेले गए रणजी ट्रॉफी के 6 मैच में 484 रन बनाए थे। बिहार को कोविड-19 से बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने दिया अनोखा सुझाव। बिहार को कोविड-19 से बचाने के लिए सरकार और विपक्ष लगातार सोच विचार करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन बिहार सरकार को कोविड-19 से बचाने के लिए सुझाव पेश किए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बिहार में 13% पॉजिटिव रेट है। तेजस्वी ने बिहार में कोरोना की धीमी जांच पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार को बचाना है तो प्रति 1 लाख जांच होना चाहिए। नीतीश कुमार के काम से लोगों में निराशा है। बिहार में लॉकडाउन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि अगस्त महीने से बिहार सरकार 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में तैनात किए गए आईपीएस अफसर। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों पर भी दबाव साफ साफ देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की जगह नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कोविड-19 जांच और इलाज को लेकर सरकारी अस्पतालों में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद अब पटना एम्स समेत अन्य मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 5 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। हिमांशु, अवधेश, दीक्षित और शुभम आर्य को पटना एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच में तैनात किया गया है। बिहार में मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया है 25 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार में कोविड-19 संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन प्रभावितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इसी बीच नियमों का पालन नहीं करने वालों से लाखों रुपए की वसूली की गई है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार के लिए विभाग का आदेश का पालन करते हुए बिहार में 5 जुलाई से 18 जुलाई तक बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है। इस दौरान 25,78,950 का फाइन भी उन लोगों से लिया गया है। नेपाल ने अब बॉर्डर के नए इलाके पर ठोका दावा। भारत की तरफ से बार बार समझाए जाने के बावजूद नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद नेपाल ने एक बार फिर से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जमीन पर एक बार फिर से नेपाल ने अपना दावा ठोका है। मिली जानकारी के अनुसार भारत और नेपाल सीमा पर स्थित सीता गुफा के पास एक पिलर को उखाड़ दिया गया है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी है। जानकारी मिलने के बाद एसएसबी के जवान और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। नेपाली अधिकारियों की माने तो वह सीता गुफा नेपाल अधिकृत है।
सुपौल में कोसी नदी के बढ़ते उफान के कारण सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। कोसी नदी अब अपनी हरकतें दिखाने लगी है। जिले के सैकड़ों गांव अब कोसी नदी की चपेट में आ गए हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने पर मजबूर हो गए हैं। नदी का पानी घर से लेकर पूरे इलाके में फैल चुका है, क्योंकि नेपाल के कोसी बराज से कोसी नदी 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। वहीं लगातार कोसी में पानी बढ़ता जा रहा है। रात भर में 3 लाख क्यूसेक पार करने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद निर्मली, किशनपुर, वसंतपुर, सरायगढ़, भपटियाही प्रखंड के तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांव में देखने को मिल रहा है। लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय टीम आज पहुंचेगी पटना। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च स्तरीय टीम संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आज राजधानी पटना पहुंचने वाली है और यहां राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। बैठक के बाद यह टीम गया के लिए रवाना होगी। गया स्थित कोविड-19 के लिए बनाए गए अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों में जाकर कोविड-19 जांच और इलाज को लेकर किए गए उपाय की जानकारी भी लेगी। इसके साथ ही केंद्रीय टीम कंटेनमेंट जोन का भी दौरा कर सकती है। तेजस्वी यादव ने बिहार को कोविड-19 संक्रमित के ग्लोबल हॉटस्पॉट बनाने की कही बात। बिहार में बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार जहां एक तरफ परेशान है, वहीं विपक्षी दल लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बिहार में मामले बढ़ रहे हैं, अगर 30,000 जांच हो तो 5,000 नए मरीजों की पुष्टि की जाएगी। देश में सबसे ऊपर, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप कितना छुपाएंगे? चिराग पासवान ने लोजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने का किया दावा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच टिकट सीट बंटवारे को लेकर भी दाव पेच फंसता नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच चिराग पासवान ने तैयारियों के दौरान यह साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगा जो 25,000 सदस्यता पूरी करेंगे। साथ ही हर बूथ पर 10 लोग की कमेटी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, सभी उम्मीदवार को लोजपा का पुराना कार्यकर्ता होना भी अनिवार्य होगा। गोपालगंज में ध्वस्त हुए अप्रोच पथ का जायजा लेने पहुंचे पप्पू यादव। कोविड-19 के इस माहौल में पप्पू यादव शारीरिक तौर पर कई जगह जाकर बाढ़ का जायजा लेते देखे गए हैं। वहीं बीते दिन बैकुंठपुर प्रखंड में फैजुल्लाहपुर के पास ध्वस्त अप्रोच पथ का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ध्वस्त पथ का निरीक्षण भी किया, साथ ही बाढ़ में डूबे 2 युवक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात भी की है और उन्हें संतावना भी दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोरोना कुमार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को छपास की समस्या है। आकाश चोपड़ा ने वर्तमान समय में स्टोक्स को बताया नंबर 1 ऑलराउंडर। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने हाल ही में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को वर्तमान समय का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बताया है। आकाश चोपड़ा के अनुसार स्टोक्स ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में 176 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके बाद अब टीम को अच्छी खासी स्कोर तक पहुंचाया था। बल्लेबाजी औसत 43 की है, वहीं वनडे में उनका औसत 59 रहा है। इसके साथ ही T20 में 33 का औसत देखने को मिला है। टेस्ट में उनकी गेंदबाजी औसत 28, वनडे में 54 रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बेन स्टोक्स इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और मुझे उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या भी इसी स्तर पर जल्द ही पहुंचेंगे। मुकेश अंबानी ने देश में सबसे सस्ता मेड इन इंडिया मोबाइल फोन लाने का किया ऐलान। भारत के दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बीते दिन भारत में देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी ने गूगल सहित कई दिग्गज टेक कंपनियों से हाथ भी मिलाया है और जियो की यह पहली इंडियन स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाने वाली चीनी कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं जियो की विश्व स्तरीय 5G सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी पूरी प्रकार से मेड इन इंडिया होगी, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है। जियो का यह कदम भी चीनी कंपनियों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। गूगल का blogspot.in हुआ बंद। भारत के कई सारे लोग blogspot.in पर अपना ब्लॉग चलाते थे, जिसमें गूगल के ब्लॉग का डोमेन प्रत्येक देश के हिसाब से होता है, यानी इस डोमेन में उस देश का कंट्री कोड भी होता है। गूगल ने इस मेन फीचर को साल 2012 में जारी किया था, जिसके बाद blogspot के भारतीय डोमेन को बंद कर दिया गया है। इसके लिए उसने इसे बेचने का फैसला किया है, जिसके बाद $5,999 की कीमत पर गूगल ने इस डोमेन को बेचने का मन बना रही है, जिसके बाद 24 जून को इसे भारतीय कंपनी डोमेन ming.com को बेच दिया गया था, मगर एक बार फिर से इसे बेचा जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरविंद कुमार, विकास कुमार, अजूबा, राजेश, कुंदन कुमार, सोनम कुमारी, गौरी शंकर, रमेश यादव, करण कुमार, रवि राजपूत, गोपाल कुमार, बलबीर कुमार, सुनील पंडित, नितेश कुमार, कमलेश गहलोत, सुरेंद्र कुमार, नील उस्मानी, दिनेश कुमार, आदित्य कुमार झा, राहुल कुमार, वाल्मीकि कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए।
पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पूरे क्रिकेट जगत में अब तक का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।